ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 63% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग और यूथ पे जो है वो डिपेंड करती है, और अगले आने वाले 20 से 30 साल यही हमारी 63% पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारी जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, हमारे जो मोबाइल्स का इस्तेमाल है, वो हमारी यंग पॉपुलेशन को किस तरह से मनफी अंदाज़ में और किस तरह से मुस्बत अंदाज़ में इफ़ेक्ट कर रहा है। मेरा नाम आमना इफ्तखार है और मैं एक माहरे नफ्सियात हूँ, और इस शोबा में काम करते हुए मुझे पिछले 12 साल का अरसा हो गया है। जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में जिक्र किया था कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो हमारी यूथ पे डिपेंड कर रही होती है, या वो हमारी यूथ है। और इसका मतलब ये है कि अगले आने वाले जो हमारे तकरीबन 30 साल है वो हमारी 63% जो यूथ पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिसने हमें मुख्तलिफ डायरेक्शन में लेकर जाना है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे अवामल हैं जो इनको पॉजिटिव इफेक्ट कर रहे हैं और जो इनको नेगेटिव इफेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है, जो हमारी यंग पॉपुलेशन है और ख़ास तौर पर जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उनकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, क्या उसके फ़ायदे हो रहे हैं और क्या उसके नुकसान हो रहे हैं। अगर हम देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, जो गैजेट्स का इस्तेमाल है, वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। कि अगर हम देखें, हमारे पास एक पेशेंट आता है और उसके पास अगर 3 साल का बच्चा होता है तो उसके हाथ में भी आपको मोबाइल नज़र आएगा, वो बच्चा भी मोबाइल ऑपरेट कर रहा होगा, या तो वो मोबाइल पे कोई गेम खेल रहा होता है या कुछ वीडियोस देख रहा होता है। अगर हम यंग पॉपुलेशन की बात करें, और यंग पॉपुलेशन का मैं आगाज़ करूँगी एज ग्रुप जो तकरीबन 5 ईयर से लेकर 10 साल से 12 साल की उम्र का ग्रुप होता है, ये वो एज ग्रुप होता है जो स्कूल गोइंग होते हैं, जिनकी इनिशियल एजुकेशन चल रही होती है। इसी एज में हमने ये देखा है कि इनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये पुबर्टी की तरफ जाते हैं, उनकी अट्रैक्शंस जो होती है वो टूवर्ड द अदर जेंडर भी डेवलप हो रही होती है। जब ये बच्चे सारा दिन या दिन का एक मेजर हिस्सा सोशल मीडिया पर गुजार रहे होते हैं, और सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आजकल बन गए हैं, आज से कुछ अर्सा पहले हमारे चंद एक प्लेटफॉर्म्स होते थे जिन पर आप अपनी एक सोशल अपीयरेंस रखते थे, लेकिन आज हमारी यूथ के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसमें ऐसे ऐसे वेबसाइट्स है, उसमें ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जिनके बारे में शायद हमें उतनी अवेयरनेस भी ना होती हो, जो कि एक सोशल गैदरिंग, एक सोशल कनेक्शन का जो है वो ज़रिया बन गया हुआ है। अब मैं ख़ास तौर पे बात करूँगी हमारी यंग जो लड़कियाँ होती है, जो गर्ल्स होती है, उनकी मेंटल हेल्थ या उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको एक्सेसिव यूज़ ऑफ द स्क्रीन या एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया किस तरह अफेक्ट कर रहा होता है। अब जब हम सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ ऐसा कंटेंट होता है जो कि रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, या उसकी जब एक्सेस बच्चों के पास आती है तो वो उनकी पूरी एक हार्मोनल और जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसको बुरी तरह मुतासर करना शुरू कर देते हैं। अगर हम जो हमारे रोज़मर्रा के सोशल मीडिया यूज़ हो रहे होते हैं उसमें कुछ हमारे ऐसे है प्लेटफॉर्म जिस पे आप वीडियोस देख रहे होते हैं, जिस पे आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अब उसकी पॉजिटिविटी ये है कि इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू सच टैलेंटेड पीपल, जो लोग आगे नहीं बढ़ सकते तो एक सोशल मीडिया के थ्रू वो अपनी एक पहचान बनाना शुरू कर देते हैं, वो अपना नॉलेज स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द गुड इफ़ेक्ट कि आप उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा कंटेंट भी बनाया जाता है, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे ऐसी भी चीज़ें आती है, ऐसी वीडियोस आ रही होती है, ऐसी रील्स आ रही होती है, ऐसे क्लिप्स आ रहे होते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते, या उनके अंदर कुछ ऐसे हिडन मैसेजेस होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम चीज़ों को जो होता है वो प्रोवोक कर रहे होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि अब नॉर्मेलिटी वहाँ से शुरू होती है जब वो नॉर्मल रेंजेस से बाहर जाना शुरू हो जाए, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो हमारी टीनेज गर्ल्स होती है या जो हमारी नौजवान लड़कियाँ होती है, जैसे उनके अंदर वो हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जितना उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो उनके लिए वो चीज़ रियलिटी बनना शुरू हो जाती है।
अब अगर आपने एक क्लिप में कोई एक ऐसी चीज़ देखी, कोई आपको कंटेंट ऐसा मिला जो कि आपको प्रोवोक कर रहा, आपके इमोशंस प्रोवोक कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बच्चे, अगली चीज़ हमने देखी है, पेरेंट्स से दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो बच्चे अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। वो बच्चे दूसरे लोगों से आइसोलेट करना शुरू करते हैं। अब जब लड़कियाँ आइसोलेट होना शुरू हो जाती है, जब हमारी बच्चियाँ अपने आप को उन सोशल जो कांटेक्ट होता है उसके साथ रिलेट करना शुरू कर देती हैं, तो पहली नेगेटिविटी ये आ जाती है कि वो बच्चियाँ अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करना शुरू कर देती है, वो अपने आप को सोशली आइसोलेट करना शुरू कर देती है। और इसके हमने जो सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिर इस उनकी उस मेंटल स्टेट की वजह से, उनकी उस आइसोलेशन की वजह से उनको मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं फॉर देयर गेन्स एंड फॉर देयर पर्पस। अगर आप इन चीज़ों को रोकना चाहते हैं, या अगर आप अपनी, हमारी जो 63% यूथ है उनको इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं, तो आज से हमने अपने घरों में कुछ बैरियर्स सेट करना शुरू कर देने हैं। पेरेंट्स जितना टाइम बच्चों के साथ मैक्सिमम गुजार सकते हैं, अपने बच्चों की बात सुने, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, ताकि आपका बच्चा अपने मसाइल आपसे शेयर करे। अगर आपके बच्चे का किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो बी द पार्टनर ऑफ योर किड, ना कि आप उसको ह्यूमिलेट करें, ना कि आप उसकी इंसल्ट करना शुरू करते, आप उसको कॉन्फिडेंस दें कि अगर कोई उनको मिसलीड कर रहा है, अगर कोई उनको गलत कंटेंट शेयर कर रहा है, अगर कोई उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो रादर देन कि वो उस हरासमेंट का शिकार होकर कोई गलत कदम उठाएं, आप अपने बच्ची को कॉन्फिडेंस दें कि वो चीज़ें, वो मसाइल आपके साथ शेयर करें। और हम जो हमारे यहाँ आजकल कुछ ऐसे दिलखराश वाक़यात हो रहे हैं, या ऐसे हमारे वाक़यात पोर्ट्रे किए जा रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बच्चियाँ जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई हैं, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं, हम उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।